रेलवे बोर्ड के चेयरमैन 21 अक्टूबर को सीनियर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई वाली समिति को विभिन्न चीजों की जानकारी देंगे। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय आम बजट 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पेश करना चाहता है, जिससे पूरी प्रक्रिया को 31 मार्च तक संपन्न किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि बजट पेश करने की तारीख को पहले करना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जीएसटी को नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2017 से क्रियान्वित किया जाना है। सरकार को संसद में बजट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 8-9 सप्ताह का समय चाहिए। सरकार की योजना बजट को 2 फरवरी तक पेश करने की है। इसके बाद 10 फरवरी से संसद में रिसेस होगा और यहां पर संसद की बैठक 10 मार्च के आसपास फिर शुरू होगी। इसके बाद संसद के पास बजट और वित्त विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च तक का समय होगा।